हे गाइस, आई एम साक्षी गोस्वामी। वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल बैंकिंग एस्पायरेंट चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि एसबीआई क्लर्क प्री का एग्ज़ाम हमारा जून में देखने के लिए मिलने वाला है और हम लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो आज हमारे एसबीआई क्लर्क प्री की टू डू लिस्ट का डे 27 है। हम 27 डे पर पहुँच चुके हैं गाइस। आप लोगों की आधे से ज़्यादा प्रिपरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। धीरे धीरे आप लोग उस मुकाम पर पहुँच रहे हैं कि हाँ, अब आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग अपना 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। 50 डेज़ की हमारी स्ट्रेटेजी है और आप लोगों को मैंने भरोसा दिलाया था कि 50 डेज़ में हम लोग एटलीस्ट ऐसा लेवल हमारा हो चुका होगा कि हमें ये नहीं पता लगाने की ज़रूरत है कि हमारा एग्ज़ाम का क्या लेवल है, क्या आता है, क्या नहीं। वो सब चीज़ें अब आप लोगों को पता होंगी कि सिलेबस क्या है, क्या आप लोगों को कैसे करना है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। आज है गाइस मंडे, तो हम लोगों का एक नया वीक शुरू हुआ है। एक नई एनर्जी के साथ आज हम लोगों को काम करना है क्योंकि हम लोगों को सिलेक्शन लेना है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए। तो आज का जो आप लोगों की टू डू लिस्ट है, इसमें कुछ कुछ चेंजेस हैं छोटे छोटे जो बहुत इम्पैक्ट डालने वाले हैं आप लोगों की तैयारी पर। तो आप लोगों को इसे कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट जो कि मैं आप लोगों के लिए डेली देती हूँ और आप लोगों को भी लगता है कि हाँ, आप उस मोटिवेशन कोट से बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं। तो आज का आपका जो मोटिवेशन कोट है वो है, इंसान कहता है अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं। इंसान कहता है अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कुछ करके दिखाओ तो मैं आऊं। बहुत प्यारी बात है, बहुत अच्छी सी बात लिखी हुई है छोटी सी दो लाइन में कि गाइस पैसा कमाना है तो पैसा भी आपसे बोल रहा है कि आप कुछ करो तो सही, मैं तो अपने आप आऊँगा। आप लोगों को वो कुछ क्या करना है कि आज पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और ये जो टू डू लिस्ट है इसे फॉलो करना है अगर आप लोगों को एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम निकालना है, क्योंकि 2021 का हमारा यह पहला एग्ज़ाम है। अगर हम इस पर फोकस कर लेंगे ना गाइस, तो आपका बैंक का, इंश्योरेंस का कोई एग्ज़ाम आपसे बच के नहीं जाने वाला है। बट आपको अपना 100% देना पड़ेगा और वो 100% आप इस समय दे सकते हो बिकॉज बहुत अच्छा टाइम हम लोगों को मिला हुआ है कुछ करने का। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का मॉर्निंग में 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में क्वांट रहता है। क्वांट में आप लोगों का जो चैप्टर है आज प्रोबेबिलिटी है, इसको करना है। इस पर क्या है गाइस कि इसके 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हार्डली आप लोगों को प्री में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है, ईजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, हर लेवल के क्वेश्चन इसके करने हैं। क्यों? क्योंकि इस पर आपकी जो मेंस में है, अब वो DI मेंस में इस टॉपिक पर देखने के लिए मिल रही है। और DI मतलब होते हैं आपके 5 क्वेश्चन, और वो कभी कभी 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के भी आ जाते हैं और 5 मार्क्स के भी आ जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप लोगों को इस पर अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मिक्सर एंड एलिगेशन पर बेस्ड आप लोगों की DI करनी है। मैंने जैसा कि बोला था कि जो जो मैं आप लोगों को चैप्टर कराऊंगी उस पर बेस्ड आप लोगों को DI हाथों हाथ कराऊंगी, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अब 3 सेट करने हैं, बट 3 सेट का मतलब मैं फिर से आप लोगों को एक बार समझा दूं क्या, कि आप लोग को समझना कहां से है, अमर सर के वीडियोस से। क्वेश्चन देखिए, पॉज कीजिए, उसको खुद से करने की कोशिश कीजिए, नहीं हो पा रहे तो वीडियो से समझिए। लेकिन ये 3 सेट आपको खुद से करने हैं, जिसमें आप लोगों को कोई वीडियो नहीं देखना, कुछ नहीं। कहाँ से करने हैं? अगर आपके पास कोई मॉक टेस्ट है वहाँ से कर सकते हो, कुछ आपने परचेस कर रखा है ऑलरेडी वहाँ से करते हो। अदरवाइज मैं गाइडली के बंडल PDF के बारे में आप लोगों को डेली बताती हूँ। आप लोग मुझसे कमेंट में पूछते हो, इंस्टाग्राम पर पूछते हो, आप लोग टेलीग्राम पर भी मैसेज आते हैं कि मैम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो गाइस प्रैक्टिस के लिए आई थिंक मैंने आप लोगों को बहुत एक अच्छा सजेस्ट कर रखा है गाइडली का बंडल PDF। एक तो ईयरली है और अफोर्डेबल प्राइस पर है, दूसरा क्या है कि आप लोगों को डेली वाइज अपडेटेड PDF मिलता है। आप लोग किसी क्वेश्चन पर अटकते हो तो सबसे अच्छी चीज़ है कि वीडियो सॉल्यूशन लगे हाथ मिल जाता है, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती ढूंढने में कि मैम अब ये यहाँ पे हम अटक गए, अब समझ नहीं आ रहा इसके आगे कहाँ से बढ़े। तो वीडियो सॉल्यूशन देख के आप लोग को समझ में आ जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देती हूँ आपको इसका। अगर मेरा कूपन कोड आप लोग लगा के परचेस करते हो तो 12% का डिस्काउंट मिल जाता है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे पड़ जाता है। तो आप लोग इसे ले सकते हो। किस डिश के लिए? इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट, आप लोग को 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में क्या करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग द हिंदू से मस्ट है करना, बिकॉज मेंस भी क्लियर करना है गाइस। द हिंदू का न्यूज़पेपर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करती हूँ इसका PDF एवरी मॉर्निंग। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जा सकते हैं, देख सकते हैं।
पढ़ते टाइम पे आप लोग को वर्ड कलेक्शन करना है. अब वर्ड कलेक्शन कैसे करना है, जो भी आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं उस पर जो भी आप लोगों को वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं उन्हें मार्क कीजिए, पेन पेपर लेके बैठिए, उसे नोट कीजिए, उसका हिंदी मीनिंग लिखिए, उसके साइनो एंटो लिखिए और कोशिश करिए कि उसको रिलेट करते हुए कुछ सेंटेंसेस बनाएं जिससे आप लोगों को वो चीज़ें याद रहने लगे, वो वर्ड याद रहने लगे. ओके, नेक्स्ट 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में करंट अफेयर्स का वीडियो, ये भी मस्ट है क्योंकि हम लोग की करंट अफेयर पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए. एग्ज़ाम में हम लोगों का एक पूरा पोर्शन आता है इससे रिलेटेड. ओके, Adda247 यूट्यूब चैनल है, आशीष गौतम सर का वीडियो रहता है, आप देख सकते हैं. किसी और का ऑलरेडी देख रहे हैं आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस करंट अफेयर्स आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए. नेक्स्ट 2:00 से 3:15 बजे के बीच में रीजनिंग रहता है गाइस. रीजनिंग में कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट होता है, ये चल रहा है, इसका डे सेकंड है, इसलिए आज आप लोगों को इसके क्वेश्चंस करने हैं. ये हमारा प्री में देखने के लिए नहीं आता, सो डोंट वरी, सिर्फ मेंस के लिए आप लोगों को इसके लिए प्रिपेयर करना है. सीटिंग अरेंजमेंट करना है. सीटिंग अरेंजमेंट में आप लोगों को क्या करना है, आज डबल लाइंस वाले, ट्रिपल लाइंस वाले जो सीटिंग अरेंजमेंट आते हैं, सिंगल लाइन वाले आप अभी तक कर चुके होंगे, इनकी प्रैक्टिस करो. सर्कुलर बेस्ड करो. सर्कुलर बेस्ड में भी क्या होता है, सर्कुलर है आपका, उसमें आप लोगों को इनर और आउटर दोनों साइड की फेसिंग होती है, उनको करने की प्रैक्टिस करो. आप लोगों को अगर सिंगल वेरिएबल वाले क्वेश्चन समझ में आने लग गए हैं तो डबल वेरिएबल वाले क्वेश्चन करना स्टार्ट करो गाइस. इसके भी आप लोगों को 3 सेट करने हैं. सेम बोलूँगी कि आप लोगों को कहाँ से ये सब मिल जाएगा, गाइडली का बंडल PDF आप लोग परचेस कर लो, जिससे आप लोगों को आई थिंक ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. हर जगह आप लोगों को जाके ढूंढने में टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ से सब मिल जाएगा. मैंने देखा उसका PDF करके, सॉल्व करके, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ गाइस. 3:15 से 4:15 के बीच में 20-20 मिनट वाले जो मैं आपको बोलती हूँ कि सेक्शनल मॉक टेस्ट, ये लगाना बहुत ज़रूरी है. एक मॉक होता है और एक सेक्शनल मॉक होता है. इसमें क्या है कि 20 मिनट में ही हम लोगों को 35 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, इससे हमारी प्रैक्टिस इंक्रीज होती है. बहुत हम लोगों के मार्क्स में बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है अगर हम इस पर काम करना शुरू कर देते हैं. तो ये करिए, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं. अब इसको करने के बाद से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हम कोई भी मॉक लगा रहे हैं कि हम लोग उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि नहीं, इससे हमें पता चलता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं. तो 4:15 से 5:00 बजे के बीच में आप लोगों को एनालिसिस करना है. नेक्स्ट आ गए हम लोग इंग्लिश पर. अब इंग्लिश में आप लोगों को क्या करना है गाइस, परफेक्शन बुक का सेट मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रही हूँ, वहाँ से आप लोग इसका सेट लीजिए, लगाइए. 2 दिन से थोड़ी सी कंडीशन ऐसे ही थी, मैं आप लोगों को नहीं दे पा रही थी चीज़ें ठीक से, बट आप लोगों के लिए अब ये रेगुलर बेसिस पर रहेगा. 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये इसलिए क्योंकि आप लोगों का रिवीजन ग्रामर का बहुत ज़रूरी है. ओके, इसलिए आप लोगों को ये करना है. राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ योर डेली रूटीन. अब ये क्यों है मैम, ये इसलिए है गाइस कि आप लोग SBI क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं. इंग्लिश पर मैं आपकी धीरे धीरे पकड़ बनवा रही हूँ. आप लोगों का ओवरऑल इंग्लिश का फर्स्ट डे से ऐसा चल रहा है कि RC, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, फिलर्स, ये आप लोगों के हो गए हैं. ये एक तो इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाएगा, आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा इसे करने में क्योंकि आप लोग अपने ही डेली रूटीन लिख रहे होंगे वहाँ. लेकिन मैं ये बोलूँगी जब आप इसे लिखें तो इसमें जो वॉकअप का यूज़ करेंगे, जो वर्ड्स का यूज़ करेंगे, वो जो आप आजकल नए वर्ड्स सीख रहे हैं न्यूज़पेपर से, उनका यूज़ कर करके बनाइए, जिससे आप लोगों को पैराग्राफ बनाने में, जिससे आप लोगों को राइटिंग करने में, लिखने में बहुत हेल्प होगी. और आप लोगों की अगर आप लोग PO की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव का पेपर अपने आप प्रिपेयर होता जाएगा. हम लोगों का डिस्क्रिप्टिव आता है, वो अपने आप यहाँ से प्रिपेयर होता जाएगा और इंग्लिश में तो आप लोगों की पकड़ हो ही जाएगी. 7:00 से 8:00 बजे के बीच में गाइस वॉकअप रिवीजन. अब ये वॉकअप रिवीजन क्या होता है, जो हम लोग मॉर्निंग में वर्ड कलेक्शन करते हैं द हिंदू के पेपर से, उसकी वॉकअप आपको पढ़नी है. प्रीवियस डे की वॉकअप आप लोगों को पढ़नी है. और आज से मैं आप लोगों को अपने चैनल पर जो वॉकअप प्रोडिजी बुक का दे रही थी, आप लोगों को प्रोवाइड कर रही थी द हिंदू एडिटोरियल के वॉकअप, वो गाइस आज से कंटिन्यू रहेगा. सो डोंट वरी, बस आप लोग बने रहो, देखो एडिटोरियल का वीडियो निमिषा बंसल मैम के चैनल से, मैंने आप लोगों को बताया काफ़ी अच्छा रहता है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो. 9:00 से 10:30 बजे के बीच में करंट अफेयर के क्विज, ये बहुत ज़रूरी है क्विजेज़ लगाना क्योंकि क्विजेज़ से हम लोगों को हेल्प मिलती है. मान लीजिए जो आपका द हिंदू के न्यूज़पेपर में पढ़ने से रह गया, जो आपका आशीष गौतम सर की वीडियो से रह गया, वो आपका कहाँ कवर हो जाएगा, यहाँ 3 बार हम लोग एक ही चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, करंट अफेयर्स पे. तो इससे हमारा लास्टली कवर हो जाएगा. Adda247 ऐप से करना है. बैंकिंग अवेयरनेस ये कहाँ से करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है,
क्योंकि एग्ज़ाम में आता है हमारे। अभिजीत मिश्रा सर के आप लोग यूट्यूब पे डालेंगे बैंकिंग अवेयरनेस का कोई भी एक टॉपिक, तो आप आगे लिखेंगे अभिजीत मिश्रा सर के थ्रू आप लोगों को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे डिटेल में सर समझाते हैं, उसे आप लोग नोट डाउन करते चलिए, जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को सिर्फ रिविज़न करना रह जाएगा। ओके, तो आपकी आज की टू-डू लिस्ट गाइज ये थी, होप आप लोग को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, इसे फॉलो कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम आए आप लोग कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पर भी लिख सकते हैं, आप लोग एक दूसरे की बहुत हेल्प कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं टेलीग्राम पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।